वेब सीरीज आर्या और आर्या 2 से धमाल मचाने के बाद सुष्मिता सेन अब और दमदार वेब सीरीज में नजर आएंगी। सुष्मिता सेन वेब सीरीज ताली में नजर आने वाली है। यह एक बायोपिक है जिसमें किन्नर गौरी सावंत की कहानी दिखाई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जब से ताली से सुष्मिता सेन का फर्स्ट लुक रिलीज हुआ है, तब से फैंस गौरी सावंत के बारे में जानने को बेचैन हैं। गौरी सावंत एक सोशल वर्कर है जो कई साल से किन्नरों के हित के लिए काम कर रही है। गौरी सावंत कौन बनेगा करोड़पति के एक एपिसोड में भी नजर आई थी, तब अमिताभ बच्चन ने भी उनकी तारीफ की थी। गौरी सावंत ने अपनी जिंदगी में बहुत दुख झेले और काफी स्ट्रगल किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि गौरी सावंत के पिता ने उनके जिंदा रहते हुए ही उनका अंतिम संस्कार करवा दिया था। जी हाँ, यहाँ हम आपको गौरी सावंत की जिंदगी के उतार चढ़ाव भरे सफर से लेकर उनके उन कामों के बारे में भी बताएंगे जो वो किन्नरों के हित के लिए कर रही है। किन्नर गौरी सावंत मुंबई के दादर में एक मराठी परिवार में जन्मी थी। उनके माता पिता ने उनका नाम गणेश नंदन रखा था। गौरी सावंत जब 7 साल की थी तभी उनकी माँ की मौत हो गई। उन्हें दादी ने पाल पोस कर बड़ा किया। गौरी सावंत के पिता एक पुलिस ऑफिसर थे। गौरी सावंत को अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में पता था, लेकिन वह चाहकर भी पिता को बताने की हिम्मत नहीं कर पाई। स्कूल में भी सारे बच्चे गौरी सावंत का मजाक उड़ाते थे और बहुत ही भद्दे कमेंट भी करते थे। गौरी सावंत धीरे धीरे लड़कों की तरफ आकर्षित हो रही थी। उन्हें तब यह पता नहीं था कि गे होने का क्या मतलब है, लेकिन गौरी सावंत चुपचाप अपनी दादी की साड़ियाँ पहनकर सजती सवरती रहती थी। स्कूल में तो गौरी सावंत ने जैसे तैसे स्थिति संभाल रखी थी, लेकिन जब कॉलेज जाने की बारी आई तो मुश्किलें खड़ी हो गई। गौरी सावंत के परिवार ने कभी भी उनकी सेक्सुअलिटी को स्वीकार नहीं किया। गौरी सावंत भी अपने परिवार और पिता की शर्मिंदगी का कारण नहीं बनना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपना घर ही छोड़ दिया। तब गौरी सावंत की उम्र 14 या 15 साल की थी। गौरी सावंत यानी गणेश नंदन ने बाद में वेजिनोप्लास्टी करवा ली और हमेशा के लिए गौरी सावंत बन गई। गौरी सावंत ने हमसफर ट्रस्ट की मदद से खुद को बदला और वह गणेश नंदन से गौरी सावंत बन गई। गौरी के पास ना तो सिर पर छत थी और ना ही खाने को दाना, लेकिन हिम्मत हारे बिना वह हर मुश्किल से डटकर लड़ती रही। साल 2000 में गौरी सावंत ने 2 अन्य लोगों की मदद से सखी 4 चौकी की स्थापना की। तब से गौरी सावंत सभी किन्नरों के हितों के लिए काम कर रही है। इस एनजीओ के जरिए गौरी घर से भागे ट्रांसजेंडर लोगों की मदद करती है। गौरी सावंत ने ही 2009 में किन्नरों को कानूनी मान्यता दिलाने के लिए कोर्ट में हलफनामा दायर किया था। नास फाउंडेशन ने गौरी सावंत की अपील को आगे बढ़ाया। इसे नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने जनहित याचिका का रूप दिया। इसी याचिका पर सुनवाई करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर को कानून की मान्यता दी। गौरी सावंत ने सिर्फ किन्नरों के हक के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि उन्होंने एक मासूम बच्ची को सेक्स वर्करों के धंधे में धकेले जाने से भी बचाया था। यही नहीं, उन्होंने उस बच्ची को गोद लेकर उसे पाला पोसा। इस बच्ची का नाम गायत्री था, जो एक सेक्स वर्कर की बेटी थी। काम के दौरान गौरी सावंत की इस सेक्स वर्कर से मुलाकात हुई थी। वो HIV से पीड़ित थी, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। मौत के बाद लोग सेक्स वर्कर की बेटी को बेचने की बात करने लगे। तब गौरी सावंत ने उस बच्ची को गोद लिया और आज वह एक हॉस्टल में पढ़ रही है। गौरी सावंत देश की पहली ट्रांसजेंडर इलेक्शन एम्बेसडर भी है। कुछ साल पहले वह विक्स के एक विज्ञापन से चर्चा में आई थी। इसमें वह एक छोटी सी बच्ची के साथ दिखी थी। इस विज्ञापन में दिखाया गया कि किस तरह एक बच्चे के माँ बाप मर जाते हैं और फिर गौरी सावंत यानी मम्मी उस बच्चे को गोद लेती है। इस विज्ञापन ने गौरी सावंत को चर्चा में ला दिया था। गौरी सावंत ने यह साबित कर दिया कि माँ शब्द किसी लिंग तक सीमित नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक या शेयर करना ना भूलें। इसी तरह के तमाम रोचक और अनसुनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को टैग कर दें, ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे।